भीड़ देखिए भाई साहब, बख्तियारपुर से कितना भीड़ जा रहा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मैं अभी खड़ा हूँ दानापुर रेलवे स्टेशन पे। तो आज की जो हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है, ट्रेन 03630 यानी कि दानापुर तिलैया पैसेंजर, जो कि रोज़ाना दानापुर से मॉर्निंग टाइम में 8:30 बजे खुलती है और 101 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमें लगभग 1:30 बजे पहुँचाएगी वही राजगीर स्टेशन। दूरी केवल 101 किलोमीटर है, लेकिन बीच में छोटा से छोटा हॉल्ट पे भी ये रुकती है 2 से 3 मिनट, इसलिए ये इतना टाइम लेती है। तो ये पूरी की पूरी लोकल ट्रेन है। तो आज की ये जर्नी हम करने वाले हैं दानापुर से राजगीर तक तिलैया पैसेंजर का। एक बात, हर एक हॉल्ट को तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा, बाकी जो भी थोड़ा फेमस हॉल्ट है, बड़ा स्टॉपेज आएगा, उसको मैं कवर करूँगा और आपको इस ट्रेन जर्नी का आनंद दिलवाऊँगा, ट्रेन जर्नी में करवाऊँगा। तो वीडियो में कंटिन्यू आप बने रहिएगा। तो आज की जो ट्रेन जर्नी है, लोकोमोटिव जो है वेव 4 तुगलकाबाद का इसी से होने वाली है। तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, ट्रेन बस खुलने ही वाली है। तो हमारी ट्रेन अपने टाइम से पूरे 20 मिनट लेट खुल चुकी है दानापुर से। तो ये जो ट्रेन है जो कि अपने फर्स्ट स्टॉपेज दानापुर से खुल चुकी है, और वीडियो को अभी करते हैं शुरुआत, जर्नी को करते हैं शुरुआत। बाकी वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ट्रेन खाली है, अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, पूरी की पूरी ट्रेन खाली है, आप देख सकते हैं, क्योंकि दानापुर के बाद ये भरेगा। जो हमारी ट्रेन है जो कि बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ चुकी है, जिसका स्टेशन कोड है PNB, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 10, और पटना जंक्शन में इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। उसके बाद आएगा वही राजेंद्र नगर टर्मिनल, तो वहाँ पे फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। जो ट्रेन है जो कि पटना जंक्शन से ऑन टाइम 9:30 में खुल चुकी है, और इसके बाद आएगा राजेंद्र नगर टर्मिनल। तो अभी फिलहाल के लिए पटना को करते हैं बाय बाय, अभी फिर मिलेंगे। तो हमारी ट्रेन जो है राजेंद्र नगर टर्मिनल से खुल चुकी है, इसके बाद आएगा गुलजारबाग और पटना साहिब। तो आपसे मैं डायरेक्ट वहीं मिलता हूँ। अभी तो ये ट्रेन हमारी पटना साहिब के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ऑन टाइम पहुँच चुकी है। तो हमारी ये ट्रेन जो है अभी पटना साहिब से ऑन टाइम खुल चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, और इसके बाद हम डायरेक्ट कवर करने वाले हैं फतुहा को। उससे पहले जो भी आएगा उसको कवर नहीं करेंगे, फतुहा को कवर करेंगे और वही फिर बख्तियारपुर। तो वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फिलहाल के लिए पटना साहिब को करते हैं अभी टाटा, मिलेंगे कभी फिर यहाँ पे। ट्रेन है जो कि दानापुर से फतुहा तक केवल 31 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में 9 हॉल्ट को कवर किया है केवल 31 किलोमीटर में। तो आप सोच सकते हो ये ट्रेन मतलब हर एक स्टॉपेज पे रुकती है, मतलब एक तरह से बोल सकते हो पूरी ही लोकल ट्रेन है, पूरी पैसेंजर ट्रेन है। तो फतुहा जंक्शन से हमारे ये दानापुर तिलैया पैसेंजर एक्सप्रेस खुल चुकी है। अब डायरेक्ट हम कवर करेंगे बख्तियारपुर जंक्शन को, क्योंकि वो आएगा 11:20 में। तो अगर आप लोग अभी वीडियो में कंटिन्यू बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो हमारी ये जो ट्रेन है जो कि बख्तियारपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आ चुकी है, बख्तियारपुर का स्टेशन कोड है BKT, और बात करें नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म की तो बख्तियारपुर में टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। जो बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन आता है जो कि दानापुर रेलवे डिवीजन में आता है, और बख्तियारपुर की खास बात यह है
कि बख्तियारपुर का जो लाई है वो पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में फेमस है, प्रसिद्ध है। दूर तो हमें कहीं पे भी लाई नहीं दिख रहा है। अगर आप आते हैं बख्तियारपुर के मार्केट में तो वहाँ पे भी आप लाई का आनंद ले सकते हैं। बाकी भीड़ देखिए भाई साहब, बख्तियारपुर से कितना भीड़ जा रहा है। यहाँ से ये पूरी तरह से लोकल बन जाती है। यहाँ से कोई ना ही टीटी चेक करेगा, ना ही कोई कुछ भी। जाओ बैठो और जाओ फ्री में। ट्रेन हमारी बिहार शरीफ जंक्शन पहुंच चुकी है। आप देख सकते हो भीड़, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग उतरे हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग चढ़े हुए हैं। आप देख सकते हैं भीड़ ट्रेन के अंदर। तो इसके बाद हम डायरेक्ट कवर करने वाले हैं नालंदा स्टेशन को, उसके बाद राजगीर स्टेशन को कवर करेंगे। वो लास्ट हो जाएगा क्योंकि हम तिलैया तक नहीं जा रहे हैं। बाकी वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बनी रहिएगा। देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा उतरा है इस ट्रेन से, क्योंकि जैसा मैं बताया था बख्तियारपुर के बाद ये ट्रेन पूरी की पूरी लोकल हो जाती है। तो बिहार शरीफ जंक्शन से हमारी ये ट्रेन खुल चुकी है। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट नालंदा में, उसके बाद राजगीर में हम अपने ब्लॉग का द एंड करेंगे। भाई साहब, हमारी ट्रेन अभी नालंदा स्टेशन पहुँच चुकी है। भाई लोग, हम अभी नालंदा स्टेशन पहुँच चुके हैं, जो कि हमारा जिला भी है। मैं नालंदा के पावापुरी साइड के रहने भी वाला हूँ, और मौसम अभी कतई सुहावना हो गया है। तो एक स्टॉपेज और रह गया राजगीर, वहाँ पर अपना वीडियो का द एंड लास्ट करूंगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बनी रहिएगा। अगर आप लोग अभी तक वीडियो में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में बताइए ये आपको जर्नी, ट्रेन जर्नी दानापुर से तिलैया तक, राजगीर तक कैसी लगी। जो ट्रेन है अपने टाइम से 5 मिनट ढीले, यानी 5 मिनट लेट नालंदा स्टॉपेज से खुल चुकी है। और इसके बाद तो आएगा 2-3 सिलाव है समथिंग, लेकिन उसको हम कवर नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम राजगीर में आपसे मैं मिलता हूँ। तो भाई साहब, फाइनली हम राजगीर स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो आज का जो ब्लॉग वीडियो है वो होता है समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।